आज मैं आपको एक नहीं दो नहीं पांच ऐसे कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में बताऊंगा जो बिल्कुल फ्री है। फ्री फ्रेंड्स जब भी नाम आता है तो उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर होती है, मतलब एक कुछ लिमिटेशंस होंगी, पर उसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ये मेरा स्पेशल वीडियो उन भाइयों के लिए है जो बिल्कुल भी पेड टूल को अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे तो फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल आपको बहुत सारे इंटरनेट पर मिल जाएंगे, पर उनमें से कुछ मैंने पाँच ऐसे निकाले हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप उन्हें यूज़ ज़रूर करें। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जस्ट मैं आपकी एक हेल्प कर रहा हूँ, और इससे आपको बेनिफिट इसलिए मिलेगा फ्रेंड्स क्योंकि किसी के अंदर आपको कीवर्ड्स की डिफ़िकल्टी, कंपटीशन, वॉल्यूम सारी डिटेल्स मिलेगी, और कुछ ऐसे टूल्स है उसके अंदर आपको कीवर्ड्स की अच्छी खासी लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप अपना माइक्रोनिश ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं और वो सारे कीवर्ड्स आप यूज़ करेंगे, डेफिनेटली जो आपका ब्लॉग है वो गूगल में रैंक ज़रूर करेगा। अब वो कौन से टूल है उसके लिए तो मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलूँगा, पर उससे पहले हमेशा की तरह एक बात बोलूँगा, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल के ऊपर ज़रूर क्लिक करें। मैं हूँ वेदांत, तो वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। अब मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। हमारा सबसे पहला कीवर्ड रिसर्च टूल है जिसे आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, उसका नाम है वर्ड ट्रैकर। आप गूगल में जाएंगे, वर्ड ट्रैकर लिखेंगे और ये जो फर्स्ट लिंक देख रहे हैं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप इस पेज में आ जाएंगे। इसके अंदर प्राइसिंग की भी ऑप्शन है, पर उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं और लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एक सर्च बॉक्स मिल रहा है, यहाँ पर आपको अपना कीवर्ड लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कीवर्ड रिसर्च और सर्च के ऊपर मैंने क्लिक करा। सर्च पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इसने मुझे यहाँ पर कुछ रिजल्ट शो कर दिए। अब यहाँ से फ्रेंड्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको गूगल, अमेजोन, यूट्यूब या फिर ईबे किसके लिए आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। आप यहाँ से वो प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ आपका कीवर्ड आ गया और यहाँ से आप कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। मैंने अभी इंडिया को सिलेक्ट करा है, आप इसे चाहे तो ग्लोबल भी कर सकते हैं या जिस कंट्री को भी आप टारगेट करना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करें। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपके पास कीवर्ड आ चुका है और उसकी सर्चेज मतलब ट्रेंडिंग का आपको ये थोड़ा आइडिया दे रहा है, वॉल्यूम कितना है और कंपटीशन कितना आ रहा है, प्लस इस कीवर्ड को कितने लोगों ने अपने टाइटल टैग के अंदर यूज़ करा है उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और लेफ्ट साइड में ये कीवर्ड से रिलेटेड कुछ सजेशंस दे रहे हैं, अगर आप इस सजेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो इसके आगे प्लस का आइकन है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर वो ऐड हो चुका है। अब इससे रिलेटेड ये सारी डिटेल्स बताएगा और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ ऊपर देखेंगे 10 फ्री सर्चेज रिमेनिंग, अभी यहाँ पे 11 आ रहा था। अगर आपने नोटिस नहीं करा तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करें, टोटल 12 कीवर्ड्स की रिसर्च कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ऑलरेडी मैं एक कीवर्ड रिसर्च कर चुका था प्लस दूसरे कीवर्ड को मैंने यहाँ पे ऐड करा, तो इसलिए मेरा यहाँ पे 10 शो कर रहा है। और अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये एक्सपोर्ट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एक ईमेल आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा। 7 डेज़ के लिए आपको फ्री अकाउंट मिलेगा। अगर एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते तो जस्ट एक स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर ले, अपने नोटपैड के अंदर सेव कर ले। नेक्स्ट हमारा फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल है जिसका नाम है सोवली। गूगल में जाना है, सोवली लिखना है और ये जो फर्स्ट लिंक देख रहे हैं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट में आ जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे विकिपीडिया, गूगल, अमेजोन, याहू, ईबे, बिंग, यूट्यूब, ओवरस्टॉक, बाय.com और आंसर्स, इनसे रिलेटेड आपको सारे कीवर्ड्स मिलेंगे। मतलब यहाँ पर आपने अपना एक कीवर्ड लिखना है, उसके बाद ये गूगल, यूट्यूब, बिंग, याहू, इनसे रिलेटेड जो ये प्लेटफॉर्म है उनसे रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स अभी चल रहे हैं उसकी सारी डिटेल्स बता देगा। यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, सेम वही कीवर्ड रिसर्च लिखा मैंने और उसके बाद आपको कहीं पर कुछ क्लिक नहीं करना, जस्ट आपने वेट करनी है और उतनी देर में आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली लोड हो रहा है। गूगल के अंदर कौन कौन से कीवर्ड रिसर्च के ऊपर कीवर्ड्स चल रहे हैं उसी की ये डिटेल्स बताएगा। बस इसके अंदर आपको ना तो वॉल्यूम का पता लगेगा ना ही सीपीसी का आइडिया होगा। अगर आप कोई माइक्रोनिश अपना ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, तो अगर इन सारे कीवर्ड्स को आप यूज़ करेंगे तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं आपका जो ब्लॉग होगा माइक्रोनिश वो डेफिनेटली गूगल के अंदर रैंक करेगा ही करेगा, क्योंकि आप वो सारे कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जो इस समय अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा कीवर्ड रिसर्च टूल है वो है इंस्टा कीवर्ड्स। उसके लिए आपको गूगल में जाना है, इंस्टा कीवर्ड्स लिखना है और यहाँ पर आप इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे जिसमें इंस्टा कीवर्ड्स लिखा है। जैसे ही क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप इस वेबसाइट में आएंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, उसके लिए आप जो ऊपर वेबसाइट का लिंक देख रहे हैं यहाँ पे आप स्लैश डालेंगे और उसके बाद लिखेंगे members.html, जैसे ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस करा, ये साइन इन के ऊपर रीडायरेक्ट होगा,
यहाँ से आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है और एक छोटा सा फॉर्म है जिसमें आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। और पासवर्ड आपने कभी भी वो वाला नहीं डालना फ्रेंड्स जो आपका मेन ईमेल आईडी का है, हमेशा दूसरा पासवर्ड डालें और साइनअप के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपकी ईमेल आईडी के अंदर इन्होंने एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करा है, उसके लिए आपको अपना ईमेल आईडी ओपन करना है और जो वेरिफिकेशन कोड आया होगा उसको यहाँ से आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद नीचे आपको एरिया मिल रहा है, यहाँ पे आपने पेस्ट करना है और वेरीफाई अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। डायरेक्ट आप इस पेज में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स दो ऑप्शन मिल रही है, इंग्लिश और ग्लोबल। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो मे बी इनका आपको पेड वर्जन परचेज करना पड़ेगा, पर फ्री में भी आप इसको बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको अपना कीवर्ड लिखना है और कीवर्ड आप दो तीन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। कीवर्ड लिखने के बाद आपको कॉमा डालना है, फिर कीवर्ड लिखना है और कॉमा डालना है। यहाँ पे मैं एक ही कीवर्ड लिखूंगा, कीवर्ड रिसर्च। उसके बाद जनरेट सजेशंस के ऊपर मैंने क्लिक करा। यहाँ पर आप देखेंगे इसने मुझे कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड सारे कीवर्ड्स दे दिए, उनका सर्च वॉल्यूम कितना है, सीपीसी कितना है और कॉम्पिटिशन कितना है। हार्ड लिखा हुआ है, फेयर लिखा हुआ है, यहाँ सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, गुड भी लिखा हुआ है और सबसे बड़ी बात यहाँ से आपको उसका ट्रेंड भी पता लग जाएगा। जैसे ये आई देख रहे हैं आप, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से पता लग जाएगा कि किस समय इसका ट्रेंड किस तरह से रहा है। इस समय ये कीवर्ड ट्रेंडिंग में चल रहा है क्योंकि बीच में ये डाउन हो गया था और फिर से ये ऊपर हो गया। पर यहाँ ऊपर देखेंगे फ्रेंड्स आपको एक महीने के अंदर 100 सर्चेज मिलेगी और बहुत होती है 100 सर्चेज दिन के। अगर आप यहाँ से 3 कीवर्ड्स भी निकाल लेंगे और उसके ऊपर आर्टिकल लिखेंगे तो बहुत इनफ होता है। और मैंने एक कीवर्ड लिखा है तो फ्रेंड्स उसके अंदर आप देखेंगे कितनी सारी सजेशंस आ चुकी है। और डेली अगर आप 3 कीवर्ड्स भी निकाल रहे हैं यहाँ से तो आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट हमारा फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल है, कीवर्ड टूल डोमिनेटर। गूगल में आपने ये लिखना है और फर्स्ट वेबसाइट का जो लिंक देख रहे हैं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप इस पेज में आ जाएंगे। यहाँ से आप पेज को नीचे करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको गूगल, अमेजोन और यूट्यूब ये वाले कीवर्ड्स टूल मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब का वीडियो बना रहे हैं तो आप यूट्यूब के कीवर्ड्स निकालना चाहेंगे डेफिनेटली, तो यहाँ पे लिखा है ट्राई इट फ्री, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, डायरेक्ट आप इस पेज में आ जाएंगे। यहाँ से आपने पेज को थोड़ा सा नीचे करना है, इधर आप अपना मेन कीवर्ड लिखेंगे, मैंने कीवर्ड रिसर्च लिखा और यहाँ से आपको कंट्री सिलेक्ट करने की ऑप्शन नहीं मिलेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंड्स आपने जो वेबसाइट के अंदर आर्टिकल लिखा है वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही सर्च करते हैं लोग और वो इंडिया में ही रैंक करेगा। अगर आपका आर्टिकल अच्छा है तो वो बाहर भी रैंक कर सकता है क्योंकि बाहर के लोग भी इस कीवर्ड को ज़रूर सर्च करते होंगे। और उसके बाद ये जो सर्च का बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से पेज को नीचे करेंगे और जैसा मैंने बताया फ्रेंड्स आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स मिलेगी जहाँ से आपको कीवर्ड्स अच्छे खासे मिल जाएंगे, वहाँ से आपको उनका सीपीसी, वॉल्यूम, कंपटीशन का आइडिया नहीं मिलेगा, पर हाँ ये कीवर्ड्स को आप यूज़ ज़रूर कर सकते हैं जिससे आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड इसने मुझे कितने सारे कीवर्ड्स दे दिए, सोर्स यूट्यूब है, कंट्री यूएस है, यहाँ से आपको अच्छी खासी लिस्ट मिल रही है कीवर्ड्स की। अगर आप इनको फ़िल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं टॉप 10 को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और फिल्टर के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। इस समय मुझे ये यूट्यूब के टॉप 10 कीवर्ड्स दिखा रहा है। हमारा जो नेक्स्ट फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल है उसका नाम है आंसर द पब्लिक। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था आज से 1.5 साल पहले। आपने गूगल में जाना है, आंसर द पब्लिक लिखना है और ये जो फर्स्ट लिंक देख रहे हैं इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज में आ जाएंगे। इसमें अपग्रेड करने की भी ऑप्शन है पर अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप फ्री में अच्छे खासे कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे क्लिक करा और यहाँ से आप अपनी कंट्री को ज़रूर सिलेक्ट करें, नहीं तो आप ग्लोबली भी रहने दे सकते हैं अगर आप कोई पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट नहीं करना चाहते। तो यहाँ से मैंने इंडिया को सिलेक्ट करा, यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये इंग्लिश में है तो इसको इंग्लिश में ही रहने दे। मैंने अपना कीवर्ड लिखा कीवर्ड रिसर्च और सर्च के ऊपर मैंने क्लिक करा। यहाँ पे आप देखेंगे इसने मुझे क्वेश्चंस, प्रपोजिशंस, कंपैरिजन, अल्फाबेटिकल्स और इससे रिलेटेड कीवर्ड्स की अच्छी खासी लिस्ट दे दी है। यहाँ पे देखेंगे कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड इसने मुझे क्वेश्चंस दिए, ये क्वेश्चंस मैं अपने आर्टिकल में लिख के उनका आंसर दे सकता हूँ, जिसे हम कह सकते हैं हेडिंग, सब हेडिंग, H1, H2, H3 टैग, इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और यहाँ से मैं पेज को नीचे करूँगा तो फ्रेंड्स इसने मुझे प्रपोजिशंस भी दिए, 25 प्रपोजिशंस है, कीवर्ड रिसर्च फॉर SEO, कीवर्ड रिसर्च फॉर ब्लॉग। इसमें भी आपको फ्रेंड्स ना CPC वॉल्यूम का आइडिया मिलेगा, हाँ अगर आप माइक्रोनिश ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर ये सारे कीवर्ड्स यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो ब्लॉग है वो गूगल के अंदर रैंक ज़रूर करेगा। इसने 18 कंपैरिजन मुझे कीवर्ड्स दिए हैं।
उसको भी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे 192 अल्फाबेटिकल इसने मुझे कीवर्ड्स दे दिए, और इमेज पे क्लिक करके आप देख सकते हैं किस कीवर्ड का कंपटीशन कम है और किसका ज़्यादा आ रहा है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ से मैं पेज को और नीचे करके दिखा देता हूँ, आप देखेंगे यहाँ अच्छी खासी कीवर्ड्स की लिस्ट है, आप इन सारे कीवर्ड्स को यूज़ करें। आप देखेंगे कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, कीवर्ड रिसर्च क्या है, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। इसने हिंग्लिश कीवर्ड्स को भी यूज़ करा है, क्योंकि ये हिंग्लिश कीवर्ड्स भी गूगल, बिंग और यूट्यूब में काफ़ी चलते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, और इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल के ऊपर ज़रूर क्लिक करें।